समीर बानखेड़े के ऊपर शिकंजा कसता ही जा रहा है और समीर बानखेड़े की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। दिन प्रतिदिन अब समीर बानखेड़े घिर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीबी की जो विजिलेंस टीम थी, यानी कि जो इंटरनल टीम होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, उसने ये पाया कि आर्यन खान की कस्टडी में ढिलाई बरती गई थी ताकि इसका फायदा केपी गोस्वामी को हो। और क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कोर्ट में जो जवाब दायर किया है और विजिलेंस टीम की ओर से जवाब जो दायर हुआ है, उसमें बहुत सारी अहम बातें निकल करके सामने आई है। जवाब में कहा गया है कि आर्यन खान और अरबाज खान का नाम बहुत बाद में जोड़ा गया, जबकि कई लोगों के नाम ड्रॉप किए गए जिनके नाम का इनपुट था। यह बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मामले में किसी को भी फंसाने के लिए बाद में उसका नाम जोड़ा जाता है। और विजिलेंस की जांच टीम में यह पाया कि समीर बानखेड़े के इशारे पे नाम उन दोनों का बाद में जोड़ा गया है। जवाब में यह भी कहा है कि जो दस्तावेज मिले उन्हें देखने के बाद ऐसा समझ में आता है कि मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया और न ही उसका पंचनामा किया गया। वहीं छापेमारी में पकड़े गए लोगों की कीमती चीजें जब्त करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया। और एनसीबी ने जवाब में कहा है कि इस आरोप पर कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने इसकी पुष्टि की है। जांच में यह भी पाया गया कि आर्यन खान की कस्टडी में ढिलाई बरती गई ताकि दूसरे लोगों को फायदा मिल सके। समीर बानखेड़े पर सर्विस के दौरान गलत प्रक्रिया अपनाने की भी जांच की गई। इसमें पाया गया उन्होंने अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा की लेकिन खर्चे की बात पूरी नहीं बताई। इसके साथ ही समीर बानखेड़े ने 22,05,000 रुपए कीमत की रोलेक्स की घड़ी 17,40,000 रुपए में क्रेडिट पर खरीदी, जिसका ब्यौरा ठीक से नहीं दिया गया। वहीं बिजनेस टीम के नोटिस में यह भी पाया गया कि घड़ी का खरीदार और बेचने वाला वही शख्स निकला जिसने बानखेड़े और उनके परिवार को मालदीव जाने के लिए पैसे दिए थे। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि समीर बानखेड़े ने बताया कि उन्होंने 83 लाख के आसपास रुपए में गोरेगांव में एक फ्लैट खरीदा, जबकि उस फ्लैट की वास्तविक कीमत 2,45,00,000 है। इस संदर्भ में उनके बयान और दस्तावेज के आधार पर इस फ्लैट की कीमत अलग दिख रही है, ये भी एक जांच करने का विषय है। बहुत सारे ऐसे आरोप लगे समीर बानखेड़े के ऊपर जिसका जवाब अब उन्हें देना है। और विजिलेंस की टीम, जो कि एनसीबी की विजिलेंस की टीम ने जांच में बहुत सारी खामियां पाई है और ये सारे जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो गया है। अब कोर्ट में जो दायर जवाब है उसके अनुसार बानखेड़े की 2 साल की ITR 1/4/2018 से 31/3/2020 के मुताबिक उनकी इनकम 31,55,883 रुपए थी और उनकी पत्नी का इनकम 14,05,577 रुपए था, जो कुल मिलाकर 45,61,000 रुपए होता है। वहीं मालदीव के 2 ट्रिप में अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शन 7,25,000 और रोलेक्स घड़ी की कीमत 22,05,000 है, यानी कि इन सब की टोटल जो कीमत हो रही है 29,30,000 रुपया, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। बानखेड़े ने बताया है कि वैसे शादी से पहले उनकी पत्नी ने एक फ्लैट के लिए 1,25,00,000 रुपए का निवेश किया था। उनकी शादी 8 फरवरी 2017 को हुई थी। उस समय का ITR 2016-17 अभी तक जमा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से 1.25 करोड़ रुपए का सोर्स का पता नहीं चल पाया है। ये काफी गंभीर मामला है और ये मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और CBI विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है। समीर बानखेड़े के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कभी भी समीर बानखेड़े के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने अभी कुछ भी कार्रवाई पे रोक लगाया है। पहले कोर्ट सुनेगा सारी बातें, उसके बाद ही कोर्ट का कोई फैसला आएगा। लेकिन समीर बानखेड़े की मुश्किलें बढ़ चुकी है और सच क्या है झूठ क्या है ये तो अब कोर्ट ही बताएगा। हम सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जय हिंद।
जय भारत।